इस वीडियो में मैं आपको फ्रॉक वाली कुर्ती की कटिंग में सिलाई करने का तरीका बता रही हूँ। ये मैंने इसमें डिजाइन बनाऊंगी, उसके लिए मोती लिए है और ये कपड़ा है हमारा। अब मैं आपको कटिंग बता रही हूँ। कटिंग के लिए मैंने हमें कुर्ती की लंबाई 29 इंच तैयार करनी है। उसके लिए मैंने ये पहले घघरी वाला कपड़ा काट लिया है। ये चकोर कपड़ा है, इसमें कोई कटिंग नहीं होती। इसके कपड़े की चौड़ाई लंबाई हमने ऐसे 17 इंच ली है, ये डबल है ऐसे। और लंबाई आप कपड़े के अनुसार ले सकती हो। अगर ज़्यादा कपड़ा है तो आप ज़्यादा लंबाई ले सकती हो, उससे आपकी चुन्नटी ज़्यादा आ जाएगी, उससे भारी फ्रॉक बन जाएगी। लंबाई इसकी 36 इंच है, ये डबल है। इसको मैं ऐसे इधर से जुड़ा हुआ है, इसको ऐसे कटिंग कर लेते हैं। ये हमारी घघरी के दोनों पीस हो गए, आगे वाले और पीछे वाले। इसके बाद में आपको ऊपर की बॉडी की कटिंग बताऊंगी। उसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया है। बॉडी की लंबाई हमने 14 इंच ली है। 14 इंच में 1 इंच सिलाई में आ जाएगा, आधा इंच ऊपर आधा नीचे, तो ये 13 इंच की तैयार हो जाएगी। अब हम चौड़ाई लेंगे। चौड़ाई आप अपने फिटिंग के अनुसार ले सकती हो। इसकी चौड़ाई मैंने ऐसे 20 इंच ले ली है। ऐसे इसके बाद जो इधर थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसकी हमने ऐसे कटिंग कर ली है। उसके बाद कपड़े को ऐसे मोड़ते हैं इस तरह से। इसके बाद इसका गला बंद आगे से पट्टी वाला कॉलर वाला बनाएंगे, जो बिल्कुल बंद है। पीछे हुक लगेगा और आगे की साइड हम पट्टी लगाएंगे। उसके लिए जब हम कंधे की चौड़ाई लेते हैं तो कंधे की चौड़ाई हम 7.5 इंच की लेंगे। वैसे आप अपने कंधे के अनुसार चौड़ाई ले सकती हो, 8 इंच तक, 8 या 8.5 तक भी ले सकती हो। और मुड्डो मुड्डो की गोला की लंबाई 7 इंच पर निशान लगाएंगे। इसको ऐसे मिला के और ऐसे गोल शेप दे देंगे ऐसे। इसके बाद हम इसकी ऐसे कटिंग कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे हम ऐसे 1 इंच का निशान लगा के ऐसे इसकी ऐसे कटिंग कर देंगे इस साइड को ऐसे। ये बॉडी की कटिंग हो गई। इसके बाद हम बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू का हमारा ये कपड़ा है। बाजू भी आप अपने लंबाई के जैसे अगर डिजाइन की बनानी है, आप अपने अनुसार ले सकती हो ऐसे। इसकी लंबाई 11.5 इंच है, तो ये 10.5 इंच तैयार हो जाएगी। ये कोहनी तक की बाजू है। इसके बाद हम इसकी का निशान लगाएंगे। यहाँ पे हम 2.5 इंच का निशान लगाएंगे। और 2.5 इंच का निशान लगाने के बाद हम बाजू को ऐसे ऊपर की साइड को ऐसे कटिंग कर देंगे ऐसे। और फिर इसकी ऐसे कटिंग कर देंगे। नीचे से आप गोलाई नाप के, जैसे हमारी गोलाई 5 इंच की होगी, तो हम ऐसे 6 इंच पे ऐसे, ये 5 तैयार है, तो यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा है, इसको हम छोड़ देंगे और ऐसे फिटिंग का निशान लगा देंगे। ऐसे बाजू का फिटिंग हो जाएगा। अब हमारी कटिंग तैयार हो गई। इसके बाद मैं आपको सिलाई करने का तरीका बताऊंगी। जैसे मैंने बाड़ी है, उससे सबसे पहले हम इसका गला बनाएंगे। उसके लिए पहले मैं गले की कटिंग करती हूँ। जैसे हम कॉलर वाला गला बनाएंगे, उसके लिए गले की कटिंग करेंगे। पहले हम कपड़े पे कटिंग करेंगे। चौड़ाई 3 इंच लेंगे
ऐसी, और इसकी गहराई 2.5 इंच, इस तरह से इसको ऐसे घुमा देंगे, थोड़ी एकदम गोलाई भी नहीं और थोड़ी वे भी नहीं। इसके बाद हम इसकी ऐसे कटिंग कर देंगे। ये आगे वाले गले की कटिंग हो गई, इसके बाद हम पीछे वाले गले की करेंगे। उसके लिए भी हम ऐसे इसकी गहराई चौड़ाई 3 इंच जैसे हमने आगे वाले गले के लिए है, और गहराई करेंगे इसकी 2 इंच। ऐसे इसके बाद हम इसमें यहाँ पे कट करेंगे, जो पीछे हुक लगाएंगे या बटन आप कुछ भी लगा सकते हो। इसकी शेप हम ऐसे थोड़ी इस टाइप से कर देंगे, ऐसे आप ऐसे थोड़ा गहरा भी कर सकते हो इससे, जैसे हम जब पहनेंगे तो गले में अच्छे से आ जाए यहाँ तक। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे और फिर इसके भी कर देंगे ऐसे। जैसे मैंने इसकी कटिंग कर दी है, अब इसमें कपड़ा लगा के सबसे पहले हम इस गले को बनाएंगे, उसके बाद फिर जब कंधे जोड़ेंगे उसके लिए हम कपड़ा लेते हैं। जैसे ये कपड़ा है, इसको ऐसे इसके नीचे रख के और ऐसे इसके चारों तरफ ऐसे सिलाई लगा देंगे, ऐसे इस तरह से। जैसे मैंने इस पर सिलाई लगा ली कपड़े पर, अब जो अंदर एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम निकाल देंगे ऐसे। यहाँ पे एक कट लगा देंगे ऐसे, इसके बाद इधर का इस साइड का भी कपड़ा की कटिंग कर देंगे और बीच में ऐसे कट लगा देंगे इस तरह से। फिर इसको ऐसे जो इसमें बाहर की साइड एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको निकाल देंगे ऐसे। थोड़ा 1 या 1.5 इंच कपड़ा आप रख सकते हो ऐसे। फिर इसके बाद इसको ऐसे पलट के बाहर की अंदर की साइड ऐसे ऐसे करके इसके किनारे पे यहाँ पे एक बारीक सिलाई लगा देंगे हम चारों तरफ। जैसे मैंने किनारे पे सिलाई लगा दी और कपड़े को अंदर को मोड़ के एक सिलाई और लगा दी, इसमें आप तुरपाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक बटन लगा देंगे जिससे ऐसे बंद हो जाएगा, ये बैक साइड का डिजाइन हो गया। इसके बाद हम ऐसे दोनों पीस बॉडी के हैं, इनके कंधों को ऐसे जोड़ देंगे ऐसे, दोनों कंधों पर ऐसे सीधी सिलाई लगा देंगे। जैसे मैंने कंधों की सिलाई लगा के तैयार कर दी, इसके बाद हम गले की ये पट्टी लगाएंगे कॉलर, इनकी हम पहले नाप करेंगे। नाप हम ऐसे करेंगे, ऐसे चारों तरफ से पहले गले की नाप लेंगे ऐसे। ये 15 इंच की गोलाई है गले की। इसके बाद हम बुकरम पर वो जो पट्टी काटेंगे गले के लिए उसकी नाप लेते हैं हम। जैसे मैंने ये बुकरम ली है, 3.5 इंच चौड़ी है और लंबाई हम ऐसे 15 इंच की लेंगे जैसे गले की थी। इसके बाद पट्टी की कटिंग करेंगे, पट्टी को ऐसे मोड़ के इसके हम ऐसे ऊपर से निशान लगाएंगे 1 इंच पट्टी को छोड़ के ऐसे, और ये निशान हम ऐसे नीचे तक गोलाई में लगा देंगे ऐसे। इसके बाद यहाँ से हम ऐसे थोड़ी गोलाई की शेप करेंगे ऐसे, और जितनी जैसे हमें 1 इंच चौड़ी पट्टी काटनी है उसके लिए हम ऐसे 1 इंच के ही ऐसे ही निशान लगा देंगे।
इससे पट्टी बराबर कटती है, कहीं पे चौड़ी और कहीं पे नेडी ऐसी नहीं होती, बराबर पट्टी कटती है ऐसी। इसके बाद हम इसके ऐसे कटिंग कर देंगे। ये पट्टे की कटिंग हो गई। अब हम एक बार फिर इसको नाप लेते हैं, ऐसे पट्टी बराबर है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। सिलाई हम इस तरह से करेंगे, जैसे कपड़ा है ये सिंगल है, इसको हम ऐसे डबल करके और ऐसे पट्टी के बराबर ही ले लेंगे, ऐसे। इसके बाद इसकी इसके बराबर पट्टी लेके इसके ऊपर ऐसी पट्टी को रखेंगे। फिर हम इस साइड से सिलाई करेंगे। सिलाई हम ऐसे करेंगे, पट्टी को ऐसे थोड़ा सा नीचे छोड़ के ऐसे, और इसके बराबर ऐसे सिलाई कर देंगे। ऐसे हम इस साइड छोड़ेंगे, ऐसे नीचे से इधर सिलाई नहीं करेंगे, और ऐसे ऊपर इस साइड से इस साइड तक हम पूरी पट्टी पर सिलाई कर देंगे। जैसे हमने पट्टी के ऐसे दोनों ऊपर की साइड सिलाई लगा दी, इसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको निकाल देंगे। कपड़ा हम इधर से आधा इंच छोड़ के निकालेंगे ऐसे। और ऊपर वाली साइड से ऐसे बुकरम के बराबर कटिंग कर देंगे कपड़े को। ऐसे और यहाँ पे हम ऐसे कट लगा देंगे। ये कट करने के बाद पट्टी को ऐसे सीधा करके ऐसे पूरी पट्टी को इस तरह से जहाँ से हमने ये छोड़ा है उसके ऊपर से ही हम ऐसे किनारे पे सिलाई लगा देंगे, पट्टी के ऊपर की साइड जिधर हमने सिलाई लगाई थी ऐसे। जैसे मैंने ऊपर को पट्टी के ऊपर ऐसे सिलाई लगा दी, इसके बाद हम इसको गले पर लगाएंगे। जैसे मैंने पट्टी को सिलाई लगा के तैयार कर लिया, इसके बाद हम इसको ऐसे गले पर लगाएंगे। पट्टी को हम इस तरह से लगाएंगे, जैसे ये बुकरम इधर दबी हुई है कपड़े के नीचे, ऐसे इस साइड से हम सिलाई करेंगे। बुकरम और एक ये नीचे वाली पट्टी की ऊपर वाली पट्टी को खुला रखेंगे ऐसे। आप चाहो तो एक बार इसको बराबर नाप सकती हो यहाँ तक, और इसके बाद जब हम सिलाई करेंगे इस साइड से करेंगे और ऐसे सिलाई करते चले जाएंगे। ना हमें पट्टी खींचनी है, ना हमें नीचे वाला गले को खींचना है। इस तरह से ऐसे और पूरी पट्टी में सिलाई लगा देंगे। पट्टी जब हम ऊपर का कपड़े को तो ऐसे खींचेंगे नहीं है, और जो ये सिलाई वाली पट्टी है इसको हम ऐसे खींच के ऊपर वाली कपड़े को ढीला छोड़ के तब सिलाई लगाएंगे। मैंने ये सिलाई लगा के तैयार कर ली। ये हमारा कॉलर वाला गला तैयार हो गया। ये आगे वाला हिस्सा है और ये पीछे वाला हिस्सा है। इसमें यहाँ एक बटन या हम कोई भी डोरी लगा के फैंसी बटन लगा देंगे, ये बंद हो जाएगा। अब इसके बाद मैं इसकी जो हम झालर डालेंगे चुन्नटी वही डालेंगे, भी हम इस तरह से डालेंगे। जैसे ये हमारी नीचे वाली घघरी का कपड़ा है, ये ऐसे करके एकदम बिल्कुल इसके डबल है। इसमें हम वैसे चौड़े वाली चुन्नटी डालेंगे, इस तरह से डालेंगे।
अगर कपड़ा ज़्यादा है तो आप 1.5 इंच चौड़ी चुन्नटे डाल सकती है, अगर कपड़ा कम है तो हम पतली चुन्नटे डालेंगे ऐसे। आप चाहो तो ऐसे चुन्नटे बना के पहले कच्ची सिलाई दे सकती हो, उसके बाद इसमें बाड़ी का जोड़ लगा सकती हो। ऐसे ये चुन्नटे हम ऐसे मिला देंगे, बीच में जगह छोड़ देंगे ऐसे। इस तरह से इस तरह से जैसे इधर कपड़ा बचेगा तो आप थोड़ी चुन्नटे थोड़ी चौड़ी ले सकती हो। इस तरह से हम चुन्नटे बना के, ये दो इसमें 5 चुन्नटे आ गई। ऐसे ही हम पिछले वाली गगरी में ऐसे ही डालेंगे और आगे वाली में भी ऐसे डाल के आप पहले सिलाई कर सकते हो, और उसके बाद ऊपर ये जो बाड़ी वाला पीस है इसको रख के सीधी सिलाई लगा देंगे। जैसे मैंने दोनों तरफ चुन्नटे डाल दी, देखो चुन्नटे में मैंने इस तरह से डाली है। यहाँ पे ऐसे करके हम दो दो मोती लगा देंगे, और जब ऐसे प्रेस हो जाएगी दोनों साइड से तो ये कुर्ती बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद हम इसकी साइड की फिटिंग करेंगे। फिटिंग आप अपने अनुसार कर सकती हो, ऐसे ज़्यादा टाइट तो ये होती नहीं है, ऐसे लूज हम सीधी सिलाई लगा देंगे दोनों साइड। फिटिंग देने के बाद मैं अब बाजू तैयार करूँगी। जैसे हमारी बाजू है इसकी लंबाई 11 इंच है, ये कोहनी तक की बाजू है। उसके नीचे मैंने ये पट्टी ली है, पट्टी की लंबाई 12 इंच है और इसकी चौड़ाई 3.5 इंच है। ये दोनों पट्टी है, इन पट्टी को मैं बीच में से ऐसे कट कर देती हूँ। उसके बाद एक तरफ से हम पट्टी को ऐसे सील देंगे, ऐसे दोनों तरफ सिलाई कर देंगे। ये 4 पट्टी है, चारों को हम एक एक तरफ से सील देंगे और एक तरफ से खुली छोड़ देंगे। इन चारों पीस में मैंने एक साइड सिलाई लगा के इसको सीधा कर लिया, एक साइड ये खुली है। इसके बाद जैसे हमारी बाजू है इसमें हम ऐसे बीच में कट करके ऐसे, और बाजू को ऐसे खोल के इस तरह से इन पीस को हम ऐसे लगाएंगे, ऐसे ऐसे सिलाई लगा देंगे। जो ये कट है ये एकदम दोनों पीस हम ऐसे लगाएंगे इस तरह से, ऐसे रख के सिलाई लगा के सीधा करके इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। ये बाजू हमारी आगे से खुली हो जाएगी ऐसे, दोनों बाजू में हम इस तरह से ही सिलाई लगा देंगे। जैसे मैंने दोनों बाजू पे पट्टी लगा दी, ये यहाँ पे खुली होगी, यहाँ पे हम कोई भी डिजाइन या बटन वगैरह लगा सकते हैं। दोनों पट्टी दोनों बाजू में मैंने इस तरह से ही पट्टी लगा दी। अब इसके हम अपने अनुसार फिटिंग देकर इसे हम कुर्ती में जोड़ देंगे। ये टॉप मैंने तैयार कर दिया, मैंने फिटिंग दे गई, बाजू लगा दी। बाजू आप मैंने पहली वीडियो में बताई थी आपको लगानी, मैंने यहाँ पे ये मोती लगा दिए। आप चाहो तो बटन वगैरह भी लगा सकती हो। ये हमारी टॉप तैयार हो गई। आप इसको जीन्स पे या धोती वाली सलवार पर कैसे भी पहन सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कीजिए। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।